नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है, तो वही गणेश चतुर्थी के मौके पर हम जानेंगे कि आखिर क्यों देश की सबसे बड़ी मुस्लिम देश की करेंसी पर छपे थे भगवान गणेश के फोटो। जानिए, आज देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूरी समझी जाती है। भगवान गणेश को परम पूजनीय माना जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गणपति के उपासक है। गणेश भगवान से जुड़े कई तथ्य हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है वो ये है कि इंडोनेशिया की मुद्रा यानी करेंसी पर गणेश की तस्वीर रह चुकी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ऐसे में यहाँ की करेंसी पर गणेश भगवान की तस्वीर होना आश्चर्यजनक बात है। आइए जानते हैं कि यहाँ की मुद्रा पर गणपति को जगह देने की कहानी के बारे में। इंडोनेशिया और भारत की संस्कृति में कई तरह की समानताएं हैं। यहाँ पहुंचकर शायद आपको एक बार गलतफहमी भी हो सकती है कि कहीं आप भारत में तो नहीं आ गए। यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी बसती है, पर यहाँ हिंदू धर्म का स्पष्ट तौर पर प्रभाव नजर आता है। यहाँ भगवान गणेश को कला और बुद्धि का भगवान माना जाता है। इसी वजह से यहाँ की करेंसी पर पहले भगवान गणेश की छवि अंकित होती थी। कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, जिसके बाद वहां के अर्थशास्त्रियों ने विचार विमर्श के बाद 20,000 रुपए का एक नया नोट जारी किया था, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर को छापा गया। हालांकि 1958 के बाद इंडोनेशिया में 20,000 रुपए की नई नोट जारी की गई। 1958 के बाद जारी हुए नए नोटों पर से भगवान गणेश की फोटो हटा ली गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि इंडोनेशिया में करेंसी से लेकर आम जनजीवन में सांस्कृतिक विविधता नजर आती है। रामायण और रामायण मंचन यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश की संस्कृति में रामायण महाभारत का अस्तित्व भले ही हैरान करता हो, लेकिन इंडोनेशिया हिंदू धर्म के साथ जुड़ी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत सहज है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।